सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मेरी फैमिली में ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप है थोड़ा सा मतलब लो लेवल पे है मतलब हमारा डिस्पोजल का अपना ही काम है डिस्पोजेबल तो इन द सेंस थोड़ा सा डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे पेपर प्लेट्स कप्स वगैरह का इनका हमारा छोटा सा बिजनेस है तो आप मैनुफैक्चर कर तो, हैं हाँ है सर हमारी मैनुफैक्चरिंग है तो मैं ये सोच रहा था सर कि मैं उसी के लिए उसी के रिगार्डिंग एक शॉप अपनी ओपन कर दूँ क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं हम फुटपाथ पे जो लोग लगाते हैं उनको सेलिंग करते हैं तो वही मैं सोच रहा हूँ कि वही चीज़ को हम एक शॉप पे ओपन कर दें क्योंकि हमारी अपनी मैनुफैक्चरिंग है तो हम वो हम वो वो मार्जिन हम काट सकते हैं जो हमें मतलब बाहर बाहर से उठा के जो मार्जिन हमें उनको देते हैं हमें थोड़ा बहुत तो वो मार्जिन हम काट सकते हैं सो तो उस उससे मैं सोच रहा हूँ कि उसी को मैं थोड़ा बड़े लेवल पर लेके जाऊँ या फिर सर मैं अपना कुछ स्टार्ट करने को तो का सोच रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा फूड इंडस्ट्री का ना मतलब थोड़ा बहुत मेरे को फूड में टेस्ट वगैरह में मेरे को नॉलेज है कि फूड किस तरह का अच्छा होता है तो मैं फूड इंडस्ट्री में भी ट्राई करना चाहता हूँ तो मैं वो सोच रहा हूँ कि इन दोनों में से क्या ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा फ़ूड इंडस्ट्री में क्या सोच रहे हो आप सर मजे से फूड इंडस्ट्री में मेरे एरिया में क्या है कि काफ़ी सारे आइटम्स ना जैसे मैंने जो बाहर ट्राई किए हैं वो वहाँ मिलते नहीं हैं सो so, वहाँ पे मतलब आई थिंक कि वहाँ पे चल जाएगा वो चीज़ क्योंकि जैसे कौन से आइटम्स जैसे सर काफ़ी डिफरेंट तरह के समोसे होते हैं मैंने काफ़ी जगह ट्राई किए हैं जैसे काफ़ी अलग अलग तरह के समोसे बनाते हैं लोग लेकिन हमारे एरिया में क्या है सिर्फ कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जो इस तरह का कुछ सेल करती हो वहाँ पे सिर्फ आलू आलू का ही समोसे मिलते हैं नॉर्मली बट जबकि मैंने जन और जगह देखा है तो वहाँ पे और भी तरह की चीज़ें मिल समोसे मिलते हैं तो समोसे आलू के तो होते हैं और किस चीज़ के सर, सर सर चिली पनीर भी होता है सोया चाप समोसा होता है और और भी डिफरेंट तरह के होते हैं मैंने स, मैंने ऑलमोस्ट सब ट्राई किया हुआ है उसमें अच्छा ठीक ये है कहां मिलते हैं सर ये लक्ष्मी नगर में मिल जाएगा आपको तो मैंने आपके एरिया में नहीं है हा, हा, हमारे एरिया में नहीं रहते हैं ये प्रेम नगर में हूँ सर मैं यही पास ही में किराड़ी में अच्छा इधर कहीं ऐसा कोई शॉप नहीं है और सर यहाँ पे जैसे मोमोज का भी है काफी क्रेज क्योंकि मोमोज का आज कल के टाइम में काफी अच्छा क्रेज है बट मोमोज में क्या है कि हमारे एरिया में नॉर्मल मोमोज मिलते हैं फ्राइड बट उस हम मैं क्या सोच रहा हूँ कि उसको पैन फ्राइड करके पैन फ्राइड करके सेल किया जाए या तंदूरी में कुछ उसके साथ कुछ इनोवेशन की जाए जैसे बाकी जगह हो रही है तो ऐसा कुछ हमारे एरिया में भी है नहीं तो वो मैं अपना स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ सर आपका ये वाला आइडिया मेरे को बेटर लग रहा है कंपैरेटिवली दोनों आइडियाज में से एक तो है आप सोच रहे हो कि उसकी शॉप ओपन करी जाए अब अगर आप शॉप ओपन करोगे तो शॉप का एस सच कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि जिसको इस तरह की डिस्पोजेबल आइटम्स चाहिए वो चाहता है

कि ऐसी फूड आइटम्स जो अभी आपके एरिया में नहीं मिल रही है लेकिन और जगह पे मिल रही है तो अब आपको ये देखना होगा कि और जगह पे जहां पे वो मिल रही है वो लोग किस तरीके से बेच रहे हैं और कितना बेच रहे हैं थोड़ी जासूसी करनी होगी वहां पे दो तीन दिन जा करके बैठना होगा हाँ सर मैं जाता रहता हूँ वहां पे जाते रहते नहीं। हो मतलब अकेले किसी के साथ नहीं मैं सोच रहा था कि नाम क्या रखे समोसे वाला है समोसे वाली पूछ रहा था हाँ आजकल बहुत चल गया है ना नाम के आगे कुछ भी लगा दो और फिर बीटेक एम बी ए ये आ, हो, राइट हाँ अच्छा आप भी बीटेक हो इलेक्ट्रॉनिक्स तो बढ़िया हो गया बीटेक समोसे वाला <laughs> बढ़िया नाम है ये जो आइडिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये उससे काफी बेटर है मतलब फार बेटर है उस आइडिया से क्योंकि ये प्रूवन है इसमें कुछ भी हवा में नहीं है वहाँ पे बहुत सारी एजम्स है कि आप दुकान खोलोगे तो लोग आएंगे वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके बिना लोगों का काम ना चले क्योंकि अगर आप जाकर के उनकी दुकान पे नहीं दोगे कोई और दे देगा वो क्यों आएंगे आपके पास में तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लेकिन ये जो आप काम कह रहे हो खाने पीने का जो उस एरिया में नहीं हो रहा है लेकिन किसी और एरिया में हो रहा है और बहुत सक्सेसफुल है इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ऑलमोस्ट हंड्रेड है क्योंकि अगर एक जगह पर वो आइडिया चल रहा है और उस जगह पर जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे कि यहाँ पर है या तो होता ना लोग ही अलग है कि वहां इंडियंस हैं और यहां पर है। तो नहीं एक चलेगा। एरिया में और वो खुश है उसके पास में ना तो इतना टाइम है ना इतना दिमाग है ना इतना पैसा है कि वो जा करके जगह जगह पे अपना जो आउटलेट है उसको ओपन करे तो वो एक ही जगह पे बैठ करके अपना काम कर रहा है तो अगर उस बिजनेस मॉडल को आप रेप्लीकेट कर सको और उसको और थोड़ा इंप्रूव कर सको यानी आप देखो ध्यान से उसने किस तरह से बोर्ड लगाया हुआ है वहीं पर चीजें रख करके खाने का अरेंजमेंट है या बैठ करके खाने का अरेंजमेंट है या पैकिंग ज्यादा ज्यादा चलता चलता है क्या चलता है क्या कैसे चलता है क्या ये जो स्विगी जोमेटो है उसके थ्रू चल रहा है या फिर वहां पर लोग आ रहे हैं तो उसको आप पूरा अगर बिजनेस मॉडल को स्टडी कर लो एक तरीके से ये मान लो कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो कि इस तरह का जो काम लोग और कर रहे हैं जैसे आपने दो आइडियाज के बारे में बात करी एक समोसे एक मोमोज तो अब दोनों के ऊपर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी इन्वेस्टमेंट दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है मेन है किस काम में ज्यादा पैसा है तो वहां पे आप कस्टमर बनकर के जाओ दोनों जगह पर बात करो देखो नोट करो जैसे दो दिन आपने समोसे की दुकान पे लगाए और दो दिन आपने उधर मोमोज की दुकान पे लगाए और आपने पूरा रिपोर्ट बना ली कि इतने ऑर्डर यहां से गए इतने ऑर्डर यहां से गए इतने ऑनलाइन इतने ऑफलाइन इतने कस्टमर आए एक प्लेट इतने की है तो इसका मतलब इतने की सेल हो गई इसकी उसमें इतना मार्जिन है तो अब आपने दोनों को कैलकुलेट कर लिया मार्जिन है, है।, कि पर, पर है इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं चाहिए नहीं, बड़ी नहीं चाहिए मतलब अगर सिटिंग का भी अगर थोड़ा एरिया में मिल जाए तो वो काफी होगा और अगर सिटिंग ना भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता लोग खड़े होकर के भी वहां पे आराम से खा सकते हैं ऐसी चीजें हैं ये तो राइट और बहुत सारे लोग हैं वो पैक करा करके अपने घर ले जाएंगे कुछ भी पहले से अज्यूम मत करो और बिजनेस को कॉम्प्लिकेट मत करो hmm. ये बहुत गड़बड़ करते हैं बिजनेस करते वक्त हम क्या करते हैं बिजनेस को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हैं अपना दिमाग लगा करके नेवर यूज योर ओन माइंड इफ यू गॉट अ प्रूवन बिजनेस मॉडल एंड इफ यूर यूजिंग योर ओन माइंड इट हैज टू बी बैक बाय डेटा ध्यान से सुनना मेरी इस बात को कि अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे को ये काम को शुरू करना है अपने एरिया में लेकिन वहां पे तो वो बैठने का अरेंजमेंट नहीं दे रहा मैं बैठने का अरेंजमेंट दूंगा हो सकता है इसी वजह से आपका काम फेल हो जाए कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है तो जब नकल कर रहे हो तो अच्छे से करो तो क्योंकि हो सकता है उसका काम इतना इसीलिए चल रहा है क्योंकि वह बैठने का चक्कर नहीं है क्योंकि जब बैठने वाले लोग आते हैं तो कई बार ऐसे ऐसे आ जाते हैं जो बैठ तो जाते हैं लेकिन उठते नहीं <laughs> ये तो होता है सर आप समझ गए हां जी तो वो सारा ध्यान वहीं चला जाता है और स्पेस के पैसे होते हैं रियल एस्टेट में स्पेस जो आप रेंट पे लोगे उसका पैसा है तो आपने अपनी कॉस्ट तो बढ़ा ली रिटर्न उस हिसाब से आ नहीं रही है तो फायदा क्या है इससे अच्छा यूज करो और ज्यादा उस प्रोडक्ट को बनाने में या दोनों वेराइटी देने में हाँ। वाई नॉट यहां इस, इस, इस तरह तो के मोमोज भी, भी मिलते हैं और समोसे भी मिलते हैं वहां बिठाने के लोगों को तो इस तरह से समझो चीजों को पहले एक से शुरू करना दो से मत करना बट फ्यूचर में आप डाइवर्सीफाई भी कर सकते हो अगर एक काम आपका चल गया तो साथ साथ में इसको भी ऐड कर सकते हो और जगह भी ओपन कर सकते हो तो ये काम बढ़िया है अगर अच्छे से आप कर पाए तो थोड़ा ब्रांडिंग और मार्केटिंग को समझ जाओ कि कैसे बोर्ड बनाना है कैसे प्रेजेंट करना है अच्छे से चाहे कोई भी इंसान है हर कोई चाहता है कि मेरे को प्राइस कम से कम मिले और पैकेजिंग अच्छी हो तो पैकेजिंग बढ़िया रखो सब कुछ साफ़ सुथरा रखो आ, सर वो तो वो फूड में वो तो होता ही है साफ सफाई के लिए तो रखना ही पड़ता है अगर इसको आप प्रॉपर रिसर्च करके करते हो तो यस तो इस बिज़नेस में बहुत पोटेंशियल है बिल्कुल ऐसा हो गया कि अगर आप बड़े बड़े बिजनेस को भी देखोगे ना जो सक्सेसफुल है दो तरह के हैं स्टार्टअप एक जो सक्सेसफुल है दूसरे जो फेल हो गए हैं उसमें आप एक पैटर्न को नोट करोगे जो सक्सेसफुल होते हैं उसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं पहले देखते हैं ग्लोबली कहाँ कहाँ पर क्या क्या चल रहा है मान लो यूएस में ये हो रहा है तो इंडिया में उससे मिलता जुलता कुछ किया फंडिंग उठाई और आगे बढ़ उसी को, उसी को गए को के के लेकिन कोई प्रूवन बिजनेस मॉडल उसके पीछे है और कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं वो हवा में कुछ भी सोच रहे होते हैं कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं वो कर दूंगा पता लगता है सब बेकार और जो थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया वो भी सब डूब गया सब बेकार तो ऑलवेज़ गो फॉर प्रूवन बिजनेस मॉडल ये प्रूवन बिजनेस मॉडल है जिसकी आप बात कर रहे हो अगर उधर आप ये एस्टिमेट कर पाओ कि वो बंदा ये सब करके लाख दो लाख रुपए महीने का कमा रहा है तो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो अच्छा मरे से मरा यहाँ पर भी मेरे को शुरू में पचास हज़ार तो आ ही जाएगा एक सर इसी में मैं सोच रहा था कि जैसे और जगह जो मोमोज होते हैं वो मैदा के मिलते हैं इसी में लक्ष्मी नगर में एक शॉप देखी थी मैंने तो वहाँ पे क्या है ना वहाँ पे वीट के मोमोज़ बना रहे मतलब वीट में ही तो वो चीज़ सेम सेम ऑर्डर रिपीटेट हो रहा है कि वो हेल्दी भी हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं है उससे

क्या वहां पर टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों मार्केट अलग अलग हो गई दोनों देखने में आपको सेम लग रही है सेम नहीं है बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं टेस्ट में कमी नहीं आनी चाहिए वो जो मैदे की सॉफ्टनेस है ना उसमें मजा है वीट थोड़ा सा कंपेरेटिवली हार्ड होता है हा। तो वो कहते हैं हेल्थ गई भाड़ में मेरे को तो टेस्ट चाहिए तो एक है हेल्थ कॉन्शियस मार्केट एक है टेस्ट के बेस पर जो मार्केट चलती है आपको पहले समझना होगा जिस जगह पे आप खोलने वाले हो वहां पर जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी क्या है अगर आप एक ऐसे एरिया में खोल रहे हो जहां पे हेल्थ कॉन्शियसनेस ना के बराबर है और वहां पर जाकर के आपने खोल दिया कि ये वीट है ये मैदा है पहले तो बंदा आकर के पूछेगा भाई इसमें फर्क क्या होता है पहले तो ये समझाओ मुझे तो आधा तो बिजनेस वहीं फेल हो गया फिर वो बंदा खा के कहेगा मजा नहीं आया एक बार किसी ने खा भी लिया दोबारा नहीं आएगा तो बिजनेस चलने से पहले ही फेल हो गया तो नेवर ट्राई पहले अपनी मार्केट को समझो जहां आप ओपन करने वाले हो और उस मार्केट को समझो और अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो सेम तरह की जगह को कंपेयर करो जो आपकी जगह है उससे ऐसा नहीं कहीं और ही जाके कंपेयर कर रहे हो कि आप खोल रहे हो एक ऐसे एरिया में जहां पर के इतने वेल ऑफ लोग नहीं रहते हैं लेकिन आप कंपेयर कर रहे हो मान लो खान मार्केट से या साउथ दिल्ली से आप कह रहे हो वहां पर तो वो चलता है ना वहां पर तो पांच रुपए का भी बिक जाएगा आप जाकर के बेचोगे पांच रुपए का और कहोगे उसमें ये हेल्दी है वो हेल्दी है वो हेल्दी है तो वो क्या बकवास है, है। पागल बनाने के लिए हम ही लोग मिले समझे तो काम चलने से पहले ही पिट गया एग्जैक्ट कंपैरिजन करो नेवर ट्राई नेवर यूज दिस वर्ड ट्राई बी श्योर तभी करो वरना मत करो या तो आपका बैकग्राउंड होता ना कि पीछे बहुत पैसा है जो हम अज्यूमिंग कैसा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ना मतलब ऐसा तो नहीं है ना पीछे बहुत लाखों करोड़ों रुपए हैं कि डूब भी जाए पता नहीं, नहीं, नहीं मतलब बेसिकली मिडिल क्लास बेसिक

सेटिंग वगैरह को तो आप जैसे आप कह रहे कि हो कि एक्स्ट्रा स्पेस ऐड होगा तो उसको मैं देखूंगा कि अगर ऑप्शन होगा वहाँ पे तो हो जाएगा वरना नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे राइट ड्रॉप करेंगे एंड देन फिर स्टार्ट करूंगा कुछ विश यू ऑल द बेस्ट लेट्स गेट बिग ऑफ फॉर सर